हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे ये सारे कार्ड्स आ गए। मैसेज ऑफ द डे Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Message of the day, please. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, आज के message of the day में एनर्जी किसी और की है। अ स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्रॉमिसिंग एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ये कोई पर्सन है जो कि आपसे डिस्टेंस पे। ऑलराइट, दिस इज़ योर, दिस कुड बी, ये आपके हस्बैंड हैं, फादर हैं, एल्डर ब्रदर हैं, जो भी हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ही पुरखलूस, बट आपसे डिस्टेंस पर है। आपने इस पर्सन के लिए बहुत सारी हैवी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, येस फॉर श्योर। आपके पर्सन ही लग रहे हैं डेफिनेटली फैमिली, सारे कार्ड्स फैमिली, स्पाउस, हस्बैंड, लव इन रिलेशनशिप पार्टनर के हैं, मेल पार्टनर के लिए हैं। आपने इस पर्सन के लिए बाउंड्रीज अपनी बहुत हाई की हुई हैं। आप दोनों के दरमियान इस वक्त डिस्टेंस है, कोई साइकिल है, कोई फेज़ है, बट आपके पर्सन फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। अपनी फैमिली को, आपको बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आपको लिटरली ये पर्सन कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। इतना ओवर कंडीशनल, इतना अनकंडीशनल लव इनको महसूस हो रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको फैमिली फ़ील कराना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट नज़र आ रही है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लिटरली आपसे ट्रैवल करके आना चाहेंगे, अगर तो दूर रहते हैं तो, और इनसे किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हुए हुए हैं, बहुत मोहब्बत महसूस हो रही है, और ये पर्सन वैसे भी जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले पर्सन हैं। दिस कुड बी योर फादर एज़ वेल, आपके फादर भी हो सकते हैं जिनसे आप दूर हैं। आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, आप अपने फादर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, अपने लव्ड वन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। आप किसी और कंट्री में रहते हैं और वहाँ पर बहुत मुश्किल है पहुँचना, और आपके ऊपर अपनी ख़ुद की भी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एंड यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी पावरफुल पर्सन। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज़ ये कार्ड्स बहुत एक्सट्रीमली, जिसको कहना चाहिए, पॉजिटिव हैं, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, वेरी गुड एनर्जी टुडे। और ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स है, आपकी अपनी तरफ से भी ओवरऑल एनर्जी आपको जो है वो वार्म्थ की, फादर फिगर्ड होने की, एक शेल्टर की, एक प्रोटेक्शन की फील हो रही होगी, एक ट्रस्टवर्दी फीलिंग आपको महसूस हो रही होगी। अगर मैं मैसेज ऑफ द डे में यहाँ पर देखूँ तो देर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि पर्सन अपने किसी डिसीजन में एक्शन लाना चाहता है, मूवमेंट लाना चाहता है। फॉर श्योर ये डिस्टेंस पर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का। आप इस पर, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही होगी। ईद के एंड के डेज़ होते हैं ना, तो इंसान थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करने लगता है, उसको कुछ बहुत ही लव्ड वंस याद भी आने लगते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, तो ये वाइस वर्सा चल रहा है।
एंड दिस इज़ समथिंग लाइक ये पर्सन आपसे दूर है, आपको दूर से ऑब्जर्व करता है, बहुत करीब से आपको दूर होते होने के बावजूद भी आपको बहुत करीब से सोचता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि उसके अंदर एक्शन लेकर आए। अदर देन दैट विद द सिक्स ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। क्यों, ये किसी और की एनर्जी लग रही है, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मैस्कुलिन एनर्जी, एक ऐसा पैशनेट खूबसूरत आदमी, एक बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आदमी जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन इस पर्सन को आपकी याद फॉर श्योर आ रही है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, बहुत पुराना साथ है ये, कोई आज का साथ नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा है। दिस पर्सन हैज़ सीन यू ग्रोन, आपको उठते हुए, आपको जागते हुए, आपको बढ़ते हुए, आपको पलते हुए इस आदमी ने देखा है, आपके पल पल की खबर इस इंसान को रहती है। बहुत पुराना टाइम जो बहुत ही इनोसेंस से भरपूर था, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। पता नहीं ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ कॉन्टैक्ट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस पर्सन की तरफ से एक्शन ज़रूर नज़र आ रहा है। ये पर्सन कोई डिसीजन ले चुका है और उस डिसीजन के अंदर ये मूवमेंट लेकर आएगा। इस पर्सन ने काफ़ी सारी चीज़ों से पीठ मोड़ा हुआ है, इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कि ये आपके लिए कुछ करना चाहता है। ये पर्सन चाहे तो एक ही चीज़ को इसने पकड़ा हुआ है, बाकी दो चीज़ें जो आपको बिलोंग करती हैं वो इसने नहीं कैच की हुई, नहीं होल्ड की हुई, बट ऐसा लग रहा है कि इसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल है, इस फैसले को एक्शन में लाना इसके लिए मुश्किल है। याद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये ख़ुद कहीं ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहाँ पर ये दूर हों, अकेले हों, आपको दूर और अकेला किया हुआ हो, और ये पर्सन ख़ुद से, यानी जिसे कहते हैं ना, डिलिब्रेटली अपने आप से दूर किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। आज के मैसेज ऑफ द डे में मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत कोई ज़्यादा आपको याद कर रहा है, एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन खुद इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, अपने में लगा रहता है, अपनी वेल बींग के लिए, अपनी अपीरियंस पे, अपनी अट्रैक्शन पे, अपनी ओवर लुक पे, अपने अटायर पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, और है भी थोड़ा सा, ये कहते ना इतने अट्रैक्टिव लोग थोड़े से फ्लर्टियस भी होते हैं, तो ये थोड़े से फ्लर्ट भी हैं, ये आपको हो सकता है टेक्स्ट मैसेज कॉल करें, ये पर्सन आपको शिद्दत से मिस कर रहा है। और ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स है, आप बाय नेचर हैं भी थोड़े ज़रा ट्रस्टवर्दी, आप बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन हैं। इस पर्सन को ये भी पता है कि आप बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप जो हैं वो एक्शन नहीं लेते। अदर देन दैट मुझे ये बहुत सिग्निफिकेंटली आपके फ़ादर लग रहे हैं, क्योंकि आपके फ़ादर जो हैं वो कहीं ना कहीं या कोई ये शख्स ऐसा है जिसने आपको लिटरली फादर फिगर फील कराया है, और बहुत ज़्यादा फैमिली फीलिंग आती है आपको इसके साथ, बहुत ही ज़्यादा, एंड मोहब्बत जो है वो बड़ी फूटे पड़ने वाली मिसाल हो रही है इस वक्त। कि पर्सन आपको लिटरली अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करना चाहता है, वो बताना चाहता है वो आपके लिए क्या शिद्दत महसूस कर रहा है, वो अपनी फैमिली को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, या आप उसकी फैमिली का एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो आपके थ्रू ही अपनी फैमिली देखता है, एंड दे आर वेरी 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 केयरिंग एंड फीलिंग प्रोटेक्टेड टूवर्ड्स यू। ठीक है, आज की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही लवी डवी एनर्जी है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अटेंशन, फुल ऑफ सेंटिमेंट्स, फुल ऑफ इमोशंस, बहुत अच्छी एनर्जी है आज की। तो आज देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे में आपकी तरफ किसका मैसेज आता है, कौन आपके लिए एक्शन लेने को तैयार है। समथिंग नॉट गोइंग टू हैपन राइट टुडे, बट आज की एनर्जीज में ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि किस चीज़ का इन्फ्लुएंस इस तरफ है, देखते हैं जनाब क्या इन्फ्लुएंस है इस तरफ। डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस, ऑल राइट, आप पिन पॉइंट करेंगे 7 दिन के अंदर अंदर या 7 हफ्तों के अंदर अंदर हालात के एक पहिए को आप पिन पॉइंट कर लेंगे कि ये वो टारगेटेड पॉइंट है जिसके ऊपर काम करना है, जिस पर सोचना है, या ये सूरत हाल जो हालात की है उसमें ये वाला मसला जो है वो सबसे अहम है, और इसको रिजॉल्व करो या इसको डिजॉल्व करो। तो आप जो है वो डिटरमाइन करेंगे हालात को, अपनी पूरी ओवरऑल वर्किंग को देखेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा तवज्जा मांग रही है, क्या चीज़ ज़्यादा तवज्जा बिल्कुल भी नहीं मांग रही, ज़्यादा तवज्जा किस चीज़ पे, ज़्यादा एनर्जी देनी है किस चीज़ पे, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देनी। तो आप खुद ही अपने हालात को जो है वो टटोलेंगे। हो सकता है ये जो पर्सन है जो आपके लिए इतना ज़्यादा डिटर्मिंड हो रहा है, ये ख़ुद भी अपनी और आपकी सूरत हाल को देख कर थोड़ा सा पिन पॉइंट करे कि ये चीज़ जाएगी किस तरफ, ये किस तरफ होगा, ये क्या होगा, ये जाएगी किस तरफ। चलिए जी देखते हैं यहाँ पर।
777 स्पिरिचुअलिटी का नंबर, बहादुरी से काम लेना है आपने. इट इज़ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न्स, हैबिट्स एंड फियर्स. नाउ इज़ द टाइम टू वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ योर बिगेस्ट डिजायर्स एंड एम्बिशंस. नाउ इज़ द टाइम टू बी बोल्ड एंड ब्रेव. आई डोंट नो व्हाई, जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी तो एकदम से मुझको एक एंगर की, जिसे एनर कहते हैं ना, एनर्जी, एक गुस्सा चढ़ने वाली एनर्जी आई. बिकॉज जब आप इतने पॉजिटिव कार्ड्स देखते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी जो होती है ना, वो क्लिक करने लगती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बिटर एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं और वो अपनी ज़िंदगियों में फैसला ले चुके होते हैं. तो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, और हर किसी ना किसी की ज़िंदगी प्रोग्रेशन का फेज भी होती है, कुछ लोगों का अफेयर भी चल रहा होता है, कुछ लोग सक्सेसफुल भी हो रहे होते हैं, एंड यही ज़िंदगी का नाम है. बट ये यहाँ पे मैं डेक को शफल कर रही थी तो एक माइंड में बहुत सी चीज़ें क्लिक कर रही थी कि इतनी ज़्यादा खुलूस, इतनी मोहब्बतें, ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, नहीं होती, कौन होते हैं ऐसे रिश्ते, इस तरह मोहब्बतें कौन देता है, कौन है जो याद कर रहा है, ये तमाम चीज़ें मुझे क्लिक कर रही थी. एंड देन सडनली इट केम कि ये ओल्ड पैटर्न्स हैं, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है ओल्ड पैटर्न से. और वो ओल्ड पैटर्न वो हैं जिसमें आपको आदतें आपकी और आपके खौफ शामिल हैं. इस वक्त हाई टाइम है कि आप अपनी डायरेक्शन को जो है वो रीसेट करें, आप वॉक इन करें उस डायरेक्शन में जो कि आपकी बिगेस्ट डिज़ायर और आपको एम्बिशंस की तरफ लेकर जाए, आपको ख्वाहिशात की तरफ लेकर जाए. बिकॉज यही वो वक्त है जब आप बहादुरी से और दिलेरी से अपने आप को बदल सकते हैं. तो आप एक ऐसी चीज़ अपने जहन में यकीनन सोच रहे थे जब आप मैसेज ऑफ द डे रीड कर रहे थे, सुन रहे थे, तो आप यकीनन अपने दिमाग में एक बात सोच रहे थे कि आपके अंदर फ़ैसला लेने की सलाहियत है. तो आप ये सब कुछ जो आपने अभी सुना, उसके बाद यू नीड टू बी ब्रेव, राइट? आप वो करें जो कि डिमांड है, जो कि रिक्वायरमेंट है. वहाँ बहादुरी दिखानी है, वहाँ पे दिलेरी दिखानी है, ठीक है? तो आज की अफर्मेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ब्रेव. कुछ भी आपको पूछना हो, कोई क्लैरिटी लेनी हो, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.